मैं डॉक्टर योगेश, मेरा पशु 360 से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ डेयरी एनिमल। पशु का डेयरी में किस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है। तो सबसे पहले पशु जब जन्म लेता है, उसके बाद वह 3 से 4 दिन तक माँ का गाढ़ा दूध पीता है, जो उसके लिए बहुत जरूरी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। शुरू की जो पहला महीना है, तो उसमें इसकी डिवर्मिंग जरूर हो, यानी कि जंतु की दवाइयाँ जरूर दी जाएं। लगभग 3 महीने तक का होने तक इसको महीने महीने पर कीड़े की दवाई जरूर देनी चाहिए, एवं बाहरी कीटों के लिए इन पे स्प्रे वगैरह किया जाना चाहिए। पोषण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 3 से 4 महीने का पशु होने के पश्चात वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः आते हैं FMD, ब्लैक क्वार्टर, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया HS, यह 3। इनको अगर हिंदी में वर्णन करूं तो मुंह खोरी, लंगड़ा बुखार एवं गलघोटू, इन 3 बीमारियों का टीकाकरण अवश्य आवश्यक है। साथ ही अगर आपकी कटिया या बछिया है, तो उसको एक ब्रुसेला का वैक्सीनेशन भी अवश्य किया जाना चाहिए। वह 4 से 6 महीने पे होता है, उससे ब्रुसेला जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। इसके बाद पशु जब 6 महीने का हो जाता है, उसको उसकी वजन के अनुसार एवं एज के अनुसार उसको चारा दिया जाना चाहिए। लगभग वह 2 साल तक का होने तक वह नॉर्मल उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। साथ ही उसका बॉडी वेट जब 250 से 300 किलो हो जाएगा, तब वह प्यूबर्टी अटेन कर लेगा एवं गर्भ अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पश्चात पशु जब हीट में आएगा, तो उसको कंसीव करा दिया जाता है, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। जो गर्भवती गाय या भैंस है, उसका आखिरी के जो 2 से 3 महीने हैं, उनमें राशन अधिक कर देना चाहिए, एवं आखिरी के कुछ 2 महीने तक विशेष ध्यान भी रखा जाना चाहिए। फिर वह पशु नॉर्मली दूध देना स्टार्ट कर देगा अपने बच्चे के लिए, साथ ही हमारे उत्पादन के लिए। इसके पश्चात जब पशु लगभग 1.5 महीने का हो जाता है ब्याया हुआ, वह हीट में आने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। कुछ पशु 1.5 से 3 महीने में भी आते हैं, पर एक अच्छा पशु 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। इसी प्रकार यह साइकिल चलती रहेगी और 7 से 8 बार पशु आराम से बच्चा जन्म देगा। उसके पश्चात वह वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, और उसके अंदर जैसे कमजोरी, बूढ़ापन एवं अन्य बीमारियां घर कर लेंगी। पशु को डेयरी से निकाल दिया जाएगा, या पशु अपने आप पशु उत्पादन कम कर देगा। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर इसी संबंधी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट अवश्य कीजिए। घर बैठे स्वस्थ पशु और संतुलित पशु आहार के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें डेयरी किसानों का भरोसेमंद ऐप मेरा पशु 360।